हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शिप्रा। वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ इंडियन मॉम। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अमेजन कुर्ती हॉल वीडियो। ये बहुत ही अफोर्डेबल कुर्तियाँ हैं, जस्ट 270 रुपीज़ से स्टार्टिंग है, 500 के नीचे ही हैं, कोई भी ऊपर नहीं मिलेगी आपको। और काफ़ी अच्छी कलेक्शन है, ये बहुत ही कैजुअल वियर है, तो आप आराम से घर में डेली वियर में पहन सकते हैं, या फिर आप कहीं आउटिंग के लिए, जैसे कि शाम को पार्क वगैरह में जाना होता है, तो क्योंकि उसके अलावा तो आजकल हम कहीं जा ही नहीं रहे, तो उसके लिए बिल्कुल बेस्ट कुर्तियाँ हैं, कम्फर्टेबल हैं, गर्मी बिल्कुल नहीं लगेगी। तो अब मैं आपको बता देती हूँ, ये 4 कुर्तियाँ हैं और इनके साथ मैं एक पजामा भी दिखाऊंगी। पजामा कम आप ट्राउज़र समझ लीजिए, उस तरह का है, तो वो भी अच्छा है। और ये सब मैंने अमेज़न से ख़रीदा है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हैं वो कुर्तियाँ और मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ। अब तो मैं आपको दिखाती हूँ पिंक कलर। पिंक कलर तो सभी का फेवरेट होता है। और ये है वामसी की। वामसी की ऑलरेडी मैं ट्राई कर चुकी हूँ काफ़ी सारी कुर्तियाँ, तो बहुत ही, एक तो अफोर्डेबल रेंज होती है इनकी और ऊपर से बहुत ही अच्छी निकलती हैं और इनमें गर्मी भी नहीं लगती है, काफ़ी कंफर्टेबल रहती हैं। तो आप देख सकते हैं ये पिंक कलर की है, इस पर प्रिंटिंग हो रही है येलो कलर से एंड वाइट कलर से, जो बहुत ही एनहेंस कर रही है इसके डिज़ाइनिंग को। एंड स्लीव्स पे आप देखेंगे छोटी 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 बूटियाँ बन रही हैं, तो ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल लुक दे रही है। और यहाँ पर आप देखेंगे फ्रंट में आपको प्रिंटिंग मिल जाएगी, पीछे से प्लेन है, तो ज़्यादा एकदम भरी भरी भी नहीं है, क्योंकि स्लीव्स पे भी दे दिया है इन्होंने, फ्रंट पे भी दे दिया है काम, तो बहुत ही सुंदर लग रही है ये। इसका जो फैब्रिक है क्रेप फैब्रिक है, क्रेप जो फैब्रिक होता है उसमें ना ज़्यादा गर्मी लगती है ना ज़्यादा सर्दी लगती है, तो ये दोनों ही सीजन्स के लिए बिल्कुल बेस्ट है। आगे जैसे कि अभी बारिश का मौसम आ जाएगा, तो उस हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट हैं ये कुर्तियाँ। एंड जो इनका प्राइस है बहुत ही अच्छा प्राइस है, ये मैंने मंगाया है, साइज़ इसका एल है एंड जो इसका प्राइस दिया गया है 1000 रुपीज़, जस्ट ये मेरे को पड़ी है 270 रुपीज़ में, तो काफ़ी अच्छी डील लगी मुझे, बहुत ही अच्छा लगा। और इसको आप पेयर कर सकते हो वाइट पजामी के साथ, या फिर प्लाजो के साथ, या फिर स्कर्ट के साथ भी पहन सकते हो, तो बहुत ही अच्छा लुक देता है। और जो इसका कलर है बहुत ही प्यारा कलर लग रहा है। देन नेक्स्ट है ये ब्लैक कलर का कुर्ता, और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में, बहुत अच्छा लग रहा है ये। फैब्रिक इसका जो है वो है रेयन, और यहाँ पर आप देखेंगे इसमें प्रिंटिंग हो रही है येल्लो एंड वाइट कलर से, और ब्लैक पे वो काफ़ी उभर के आ रही है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसमें बेसिकली वो स्टिच वाला जो काम होता था उसकी प्रिंटिंग है, तो बहुत ही अच्छी लग रही है ये। एंड स्लीव्स पे आप देखेंगे अगेन प्रिंटिंग है, देन यहाँ पे स्लीव्स पे भी आपको एक बॉर्डर मिल जाएगा, जो बहुत ही प्यारा लग रहा है, और पीछे से प्लेन है। देन नेक पे बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग हो रही है, और फिर आपको यहाँ पर बॉटम में बॉर्डर मिल जाएगा, तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा लग रहा है ये पीस। ये है मैक्स का, और इसका साइज़ मैंने एल मंगाया है, और यहाँ पे आप देखेंगे की होल वाला पैटर्न है, बट इसका यहाँ पे मेरे को बटन मिसिंग है, बटन नहीं था, तो मैं इसका रिप्लेसमेंट डाल दूँगी, क्योंकि बहुत ही सुंदर लग रहा है, इसको मैं डेफिनेटली रखने वाली हूँ। और इसका जो प्राइस है 600 रुपीज़ डल रहा है, और ये जस्ट मेरे को पड़ा है 420 रुपीज़ में, तो काफ़ी अच्छा है। पीछे से आपको प्लेन मिलेगा, तो इसके साथ आप येलो कलर की पैंट वगैरह भी पहन सकते हैं, या फिर वाइट का कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं, तो ये बहुत ही परफेक्ट लगेगा। साथ ही साथ अगर आप इसका येलो कलर का दुपट्टा ले लें, तो वो बहुत ही सुंदर लगेगा। देन नेक्स्ट है ये वाला, और आपको ये देखते ही याद आ गया होगा कि मैंने अपना आज ही शॉपिंग कार्ट लिस्ट आपके साथ शेयर करी थी, तो मैंने ये ऑर्डर किया था, बट आई थिंक मैंने इसका एल किया था और ये मेरे को एक्सेल रिसीव हो गया है, तो बहुत ज़्यादा बड़ा आ रहा है ये मेरे को, और थोड़ी सी फिटिंग, मतलब ऑब्वियसली थोड़ा सा बड़ा ही आ रहा है, तो कुछ फिटिंग का ऐसा सच पता नहीं चल रहा है, बट जैसा फ़ोटो में देखा था बिल्कुल वैसा ही रिसीव हुआ है। और ये आजियो पे अभी रिसेंटली आउट ऑफ स्टॉक है, तो आप अमेज़न से ख़रीद सकते हैं, अमेज़न पे अवेलेबल है अभी, और बहुत ही प्यारा लग रहा है। इसका जो फैब्रिक है 100% कॉटन है, तो मतलब मेरी तरफ से तो मस्ट बाई वाला प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस पर सारे पे ब्लॉक प्रिंटिंग हो रही है, साइड में यहाँ पे गोल्डन कलर से हो रही है, तो बहुत ही ब्यूटीफुल लुक दे रहा है ये, एंड कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे आप नेक देखेंगे तो नेक राउंड नेक दिया गया है, साथ ही साथ यहाँ पे एक गोल्डन कलर से पाइपिंग दी गई है, और स्लीव्स प्लेन है, प्लेन के बाद यहाँ पे हल्का सा बॉर्डर दिया है, ये देखिए थोड़ा सा बॉर्डर है, देन यहाँ पे इसमें अगेन पाइपिंग दी हुई है, जो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है, एंड पीछे से भी इसमें प्रिंटिंग हो रही है, ब्लॉक प्रिंटिंग है ओवरऑल सारे में, बस स्लीव्स को छोड़ के सारे में ब्लॉक प्रिंटिंग है। नीचे बहुत ही अच्छा बॉर्डर दिया गया है विद गोल्डन एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन है, तो बहुत ही परफेक्ट लग रहा है ये बॉर्डर भी। एंड ये जस्ट पड़ा है 450 रुपीज़ में, तो आप 450 रुपीज़ के हिसाब से बहुत ही अच्छा है। एक साइज़ बड़ा कहा था, तो शायद हो सकता है मैंने इसी वजह से एक्सेल ऑर्डर कर दिया हो, बट एक्सेल बहुत ज़्यादा बड़ा आ रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि ये मेरे को आएगा, मुझे इसका एल ही ट्राई करना चाहिए, तो एल मैं इसका ये भी रिप्लेस करके एल मंगाऊँगी इसका। इसका कलर पर्पल है,
और ये रिया का मैंने फर्स्ट टाइम मंगाया है बिकॉज़ रिया का अभी नया लॉन्च हुआ है तो ये काफ़ी सुंदर लग रहे हैं कुर्ते, बहुत ही अफोर्डेबल रेंज है। देन नेक्स्ट है ये अलीना का और ये बहुत ही सुंदर है, मैं इसके लिए रिकमेंड करूँगी कि आप ज़रूर एक अपने वार्डरोब में इसका कलेक्शन क्रिएट करें क्योंकि बहुत ही अच्छा कुर्ता लग रहा है एंड जो इसका फैब्रिक है काफ़ी अच्छा है, प्योर कॉटन है, सॉफ्ट है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसमें एक आपको ये लिनन वाला लुक दे रहा है तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, मैं इसको हाईली रिकमेंड करूंगी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया ये वाला कुर्ता। यहाँ पे आप देखेंगे फ्लावर प्रिंटिंग हो रही है, ऑल ओवर आपको फ्रंट में पूरी प्रिंटिंग मिल जाएगी जो बहुत ही ब्यूटीफुली डिज़ाइन करी गई है, बहुत अच्छी लग रही है ये। देन यहाँ पे आप स्लीव्स देखेंगे, स्लीव्स पे हल्का सा बॉर्डर है तो ये भी अच्छा लग रहा है क्योंकि थोड़ा कंट्रास्ट में, क्योंकि एकदम भारी भी पूरी प्रिंटिंग हो रही है। देन यहाँ पे आप पीछे देखेंगे बिल्कुल प्लेन है पीछे से। देन यहाँ पे की होल वाला लुक दिया गया है तो ये बहुत ही सुंदर लुक देता है पीछे से। इसका कलर है पिंक, पिंक बहुत ही डिफरेंट सा पिंक है तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंड जो प्रिंटिंग हो रही है वो मल्टी कलर से हो रही है फ्रंट में तो ये काफ़ी अच्छी लग रही है इस पर, और ओवरऑल मुझे बहुत ही अच्छा पीस लगा ये। एंड अलीना का है, अलीना का मैं ऑलरेडी काफ़ी बार यूज़ कर चुकी हूँ, फैब्रिक काफ़ी सारे फैब्रिक्स ट्राई कर चुकी हूँ, बहुत अच्छे निकलते हैं, धुलने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। इसका साइज़ जो मैंने मंगाया एल बिल्कुल परफेक्ट आया है एंड इसका जो प्राइस दिया गया है 1800 रुपीज़ और ये जस्ट पड़ा है 510 रुपीज़ में, तो ये काफ़ी सुंदर है। मतलब आप इसको पेयर कर सकते हैं रेड लेगिंग के साथ भी पेयर कर सकते हैं या फिर आप इसको वाइट के साथ भी पेयर कर सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा है और काफ़ी अच्छा कलर लग रहा है इसका। देन नेक्स्ट है ये पजामा और ये मैंने अमेजन से ही ख़रीदा है, बहुत ही अच्छा लगा है ये और इसको मैंने धो लिया है क्योंकि मैं इसको पहन चुकी हूँ, इसका आफ्टर वॉश रिव्यू भी आपके साथ शेयर कर दूँगी अभी। ये अमेजन ब्रांड का है MYX का, जो अपना उनका इन हाउस ब्रांड है, तो ये मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है, मैंने ज़्यादातर कुर्तियों वगैरह में ट्राई किया है, मैंने बॉटम वियर में नहीं किया था तो मैंने ये फर्स्ट टाइम मंगाया है। और ये इसका जो फैब्रिक है 100% कॉटन है, काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है, ये वाइट कलर का है, इसके और भी कलर्स में अवेलेबल है, डिफरेंट कलर्स में आप ये देख सकते, सेमी इलास्टिक वेस्ट बैंड है जो अच्छे से टक हो रही है टमी पे। देन यहाँ पे आप इसमें देखेंगे तो हाफ ये जो फैब्रिक है कॉटन है तो ये काफ़ी पारदर्शी टाइप दिख रहा था, तो इसमें इन्होंने ऊपर की साइड हल्की सी ये एक और फैब्रिक लगा दिया है, पतला ही है बट फिर भी एक फैब्रिक लगा हुआ है इसमें, तो ये हाफ में ही आएगा, बहुत ही ऊपर तक बस इतना पोर्शन ही कवर करने के लिए लगाया है इन्होंने, और ओवरऑल अच्छा पीस है और मैं इसको धो चुकी हूँ, ये श्रिंक बिल्कुल नहीं हुआ है, काफ़ी अफोर्डेबल है। इसका जो प्राइस है 330 रुपीज़ है और उस हिसाब से बिल्कुल बेस्ट पीस है। देन आपको मैं नीचे से दिखा देती हूँ, तो यहाँ पे एक छोटा सा स्लीट दिया गया है जो बहुत ही अच्छा लुक देता है पहनने के बाद, एंड ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, कम्फर्टेबल है, आप इसको चाहे तो किसी टॉप के साथ भी वेयर कर सकते हैं या फिर शॉर्ट कुर्ती के साथ भी वेयर कर सकते हैं, तो ये मल्टीपर्पज़ है, मैंने इसको कुर्तियों के साथ भी ट्राई किया है तो बहुत ही अच्छा लुक दिया है, बिकॉज गर्मी में थोड़ा सा लूज़ ही अच्छा लगता है और प्लाजो ऑब्वियसली लूज़ होते हैं तो उसी तरह का है, बट जिसका प्राइस है 330 रुपीज़ में बहुत ही अच्छा निकला और इसका साइज़ मैंने मंगाया था L बिल्कुल मुझे परफेक्ट आया है। तो फ्रेंड्स ये था मेरा अमेजन कुर्ती हॉल वीडियो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि उससे आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप उसको सबसे पहले देख पाएंगे। और ये जो मैंने कुर्ती पहनी हुई है ये मैंने सिमसिम से खरीदी थी बट ये अमेजन पर भी अवेलेबल है, ये स्टाइलम करके है इसका ब्रांड। और मुझे एक चीज़ और बताइएगा कि आपको मेरी ये हॉल वीडियो कैसी लगी और इसमें से आपको कौन सी कुर्ती ज़्यादा पसंद आई है, तो ये चीज़ें ज़रूर बताइएगा मुझे और मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।